मुझे उठा सकते हैं, ठीक है ना? उठा के दिखाऊंगा, पर ये चैलेंज मुझे ना किया करेंगे। मैंने सुना आप धमकियां करा रहे हो यार। को धमकियां कराएंगे? अयान को। हाँ जी हादिया मैम, मेयर साहब कह रहे हैं 30 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। मैं आगे बैठ हूँ। आपका मतलूबा नंबर आपके मन से बाहर है, पर आए मेरे बारे कभी मत ट्राई कीजिए। डब्बू साहब, आपने शहर से बाहर नहीं जाना, समझ रहे हैं? आप जा तो वैसे भी नहीं सकते, आपने घर से भी नहीं निकलना है। घर से आपने ज्यादा देर बाहर नहीं निकलना। हाँ ट्रैकर लगा दे। सही है, चलो तुम पे ट्रैकर लगे, ये सही है। अब तुम जहाँ भी जाओगे ना, हमारी नजरों में होगे, तो देख के जाना और सोच समझ के जाना, जहाँ भी जाओगे, समझ रहे हो ना? जी। और फिर आदि, अब इनका क्या किया जाए? मेरा क्या करना है? इनका क्या करना है? कुछ तो करना है। What? क्यों? भाई असल में कोई केस नहीं है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कोई केस डाल दूँ आप पे। क्या केस डालोगे? मैं आप पे चाइल्ड अब्यूज का। क्या बात, ये क्या बात करता है यार? अच्छा मैंने क्या चाइल्ड अब्यूज किया? आपने बच्चे को मुर्गा बनवा के उसके साथ पता नहीं क्या क्या बुलवाया उसने। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ कुकड़ों को बुलवाया, एक बच्चे के लिए सजा काफी है। और फिर हादी, आपने देखा है ना? हाँ, इन्होंने ये किया है ना? पहले से आराम है। लेकिन आप एक बच्चे को मुर्गा बना के कुकरू को करवा, मैंने तो नहीं बनाया। मैं चाइल्ड अब्यूज हुआ ना? ये चाइल्ड अब्यूज नहीं है। किसने कहा ये चाइल्ड अब्यूज है? भाई हम कोई भी केस डाल लें, आपको कोई इश्यू है? नहीं, किस बात पे केस डाल लिया आपने? फ्री बैठे हुए हमने केस डाला। फ्री बैठे हुए मेरा। अच्छा बात नहीं है। आप सीधी तरह कहे ना कि आपको थोड़े पैसे कमाने हैं। पैसे तो हम वैसे भी कमा लेंगे, पैसे की कमी नहीं है। हादिया ने कह दिया है कि हाँ पैसे कमाने हैं। अफसर हादिया को कमाने ना, चले ये खुशी के लिए आपको अगर अंदर भी करना पड़े तो हमें कोई इशू नहीं है। सही खेल गए बेंच। आपको अगर एतराज ना हो तो हम आपको अंदर ले लें। अभी तो हम शुक्र लगा रहे हैं खड़े पे, जब लगाना होगा तो बगैर बताए लगाएंगे और बगैर बताए उठाएंगे आप। अभी वो दरवाजा ना बगैर बताए लगा सकते हैं, ना बगैर बताए मुझे उठा सकते हैं, ठीक है ना? उठा के दिखाऊंगा फिर ये चैलेंज मुझे ना क्या करें। जब मैं एक चैलेंज पे 15 मिनट में बारिश को उठा सकता हूँ ना, फिर आप कौन? अरे बारिश तो दूर की बात है, मैं मैना हूँ, ठीक है? मैना हो तो क्या हो? मैना हो तो क्या हो? आसमान से थोड़ी उतरी है। मैना हो तो इसका मतलब उड़ के चली जाओगी? जरा जाइए डीके साहब से पूछेगा, मेरा जरा उठाने की बात कीजिएगा, वो बताएंगे। मैडम भाग रही है, फुल सलमान भाई बनते हुए डर गई है। हादी मुझे 2 मिनट दे, मैं ओके 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 ठीक है। अपन जाने कुछ किया कॉल की पंजाबी बड्डी की कॉल आ गई, देखिए नाम लिया और कॉल आ गई। यार मुझे तुम्हारी गैंग की लड़कियां मुझे चौड़े करा रही है, क्या सीन है? मुझे चौड़े करा रही है, मेरी बात सुनो डीके साहब, इनको बताओ मुझे उठाना इतनी आसान बात नहीं है भैया, बताओ। चलो फिर कोशिश करके देख लो। हाँ वो कह रही है जो खाना उखाड़ लो उसको बोलो, फिर उखाड़ के दिखाता हूँ डीके साहब। फिर ये भरम देना है ना, तो फिर मैं भी करके दिखाता हूँ, रुको अभी। ऐसी टांग भरम चौड़े कराए जा रहे हैं कॉल पे बैठे हुए इधर। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब पियो के नौकर इधर आओ, भागो भागो हमारे पीछे ना आ जाए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पीछे वाले गेट से देख लो, इधर आओ। गाड़ी कौन से बड़े में यार? यार मैंने साफ साफ बोली, मैंने कहा हादिया भी, हादिया ने कहा है अगर हिम्मत है तो आके उठा लूं। ये क्यों बोला है? ताकि वो आपके पीछे आए ना, मेरे पीछे ना आए। मैं तो अभी आपको जाके आपको उतार रहा हूँ, ये ले। यार मुझे नहीं उतारो। अच्छा रुको, मैं तुम्हें धमकियाँ करा के आती हूँ। करा के अरे इधर ही कराओ भाई, इधर ही उठा लिया, नहीं कॉल करा धमकियाँ कराते हैं। मैं तो करूँ एक मिनट। हेलो क्या बोले? मैंने सुना आप धमकियाँ करा रहे हो यार। एक मिनट, किसको धमकियां कराएंगे? अयान को। मैं कह रही हूँ यान को हाथ तो लगा के दिखाओ यार, यान के आगे मैं खड़ी हूँ और हम लोग बाहर ही खड़े हैं। यान बिल्कुल डोर के बाहर, डोर के बाहर खड़ा है। यान पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, हमें जरूरत नहीं है धमकियां लगाने की। उखाड़ लो। उखाड़, हम लोग ये बाहर खड़े, तुम लोगों के डीलर के बाहर उखाड़ सकते हो, उखाड़ लो कुछ। जी जी ठीक है ठीक है ओके। हाँ हेलो। हेलो हाँ जी हादिया मैम, आवाज आ रही है आपको? जी सर। मैम अयान और आपके पास 2 मिनट है, मेयर साहब कह रहे हैं मुझे 2 मिनट के अंदर दोनों मेयर ऑफिस चाहिए, अदरवाइज आप दोनों सस्पेंड है। ओके ओके हम लोग आ रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बढ़ गया यार। क्या हुआ? मैंने मेयर को शिकायत लगा दी। मांग है यार मैं।
मैं तो बेटा शहर से निकल लो ओके आ दिया मेरे मिनट में लगा दो वो कह रही 2 मिनट आपके पास आप आ जाएं चलो 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 ना ना मैं नहीं जा रहा भाई मैंने मरना नहीं है यार चलो ना भाई उधर से हाथ धो करवा लिए ना ना इज्जत का कचरा हो जाएगा हैदर का नंबर है आपके पास हाँ हैदर का नंबर है नंबर दो मुझे हैदर साहब मैंने सुना है कुछ लोग आए मेरी कंप्लेन लेके आपके पास सर वो मुझे मेरी तो नानी मर गई मैं तो उनके इंतकाल में जा रहा हूँ सर मेरे तो अब्बा भी फौत हो गए पता क्या हम लोग बोलेंगे हम मैना के साथ उधर मजाक कर रहे थे मैना ने जाके फिर हमें सरकार वालों से धमकियां दिलवाई हैं इसलिए फिर हम लोग कह रहे थे आ रहे अच्छा बात सुन अच्छा आ रहे हैं सुन बात सुन हम तो उसके साथ मजाक कर रहे थे वो सीरियस हो गया हमें धमकियां कराने से रोक ली फिर मैंने भी करा दिया बस हवा निकल गई हाँ जी हादिया मैम मेरे साहब कह रहे हैं 30 सेकंड्स बचे हैं आगे मैं आगे बैठ रहा हूँ सर मैनू खाली इस बंदे नु इतना दफा करा दे मैं बचा लूंगा इस मनोज नु मनोज आदमी दफा हो जा अभी उन्हीं के लाल मेरे सुनने की बात नहीं पट्टी चुप पट्टी चुप क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों उन दोनों को बुला के जहाँ पर भी अभी क्या भी ये फंस गया सी है मेरे साथ गुस्सा नहीं आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ये हादिया जी मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है सर क्या हुआ सब बस बेटा बताइए मैंने जी आपने जो मुझे धमकी दी है कि उठवा लेंगे और उखाड़ सकते हो उखाड़ लो वो सब क्या था और फिर आप मेरे पे झूठा केस भी डाल रही थी वेल डन तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे साथ पीडी में थी इन्होंने एक बच्चे को अरेस्ट करवाया था तो वहाँ पर मैं और अयान सर मुझे अयान साहब का मैसेज आया था वैसे कि वो उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है किसी किस्म आपने बुलाया था कोई काम था मैंने कहा मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके पास काम करना चोट कैसे लगी आप लोगों की आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए सर हम तो शहर के सर मुहाफिज हैं सर आप अगर बोले तो इनको प्रोटेक्शन अभी देते आए सर अभी चलते हैं आए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे हमें आ रही है तो आप प्रोटेक्शन दीजिए ड्यूटी है दोनों की 10 महीने तक इनको प्रोटेक्शन दीजिए दोनों आप सर अगर ये कोई हरकत करते हैं तो आप बताएं फिर वो मेरे साहब अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरा शराफ़ी कार्ड अपने पास रखें हादिया मैम आपसे बहुत उम्मीदें थी लेकिन आपने सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया जाइए जाइए आप दोनों ड्यूटी निभाइए प्रोटोकॉल देना हो पीछे पीछे साथ नहीं मैं नहीं जानता आपको दफा हो खराब हो गई है हैदर सर वो ना मसला हो गया यान सर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है हेलो आवाज आ रही है हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है हादी आवाज आ रही है जी फिर बोल रहे हैं दोनों को फिर से उठा लो किडनैप करो जाके आपको ऑर्डर्स मिले थे मेयर की तरफ से यार अयान की तबीयत इतनी खराब हो गई है उसको पता नहीं क्या हुआ है मैं उसको हॉस्पिटल लेके आई हूँ यार मुझे तो रोना आ रहा है एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से जी बिल्कुल अभी आपको सैर कराते हैं आगे ये हमारा हाइड आउट होता है सीक्रेट अच्छा ये मैं पहली बार देख रही हूँ
राजा वैसे लग नहीं ना मैं शुद्ध गरीब। हेलो सर, वालेकुम सलाम। यार उठा लेना सुना यार, यार लेवल बहुत मजा आया ये वाला। मैं कसम से मैं गबरू सर को सफाई देने लगी, पीछे देखा ये आ गया, मेरी हंसी निकल गई। ये तो हमारा बहुत पुराना कॉस्ट्यूम है, हमने छुपा के रखा हुआ है। मैंने की कॉल आ रही है, मैंने की कॉल आ रही है। बोलो नहीं नहीं, उनको उठाओ, सुनो सुनो उठा के बोलो, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त कॉल पे मैसेज नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं आप उनको बोलो ये आपका मतलूबा नंबर आपकी रेंज से बाहर है। अच्छा बात नहीं है, आपका मतलूबा नंबर आपके रेंज से बाहर है, बड़ाई मेहरबानी कभी मत ट्राई कीजिए। इनको इनको जलाता हूँ मैं ना कॉल करता, मैं कहता हूँ कैसे आप फिर काम करवा रही हैं उनसे। हेलो हेलो मैडम, मैम आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। इनसे करवाएं काम अच्छे तरीके से। मेरी बात सुनिए, इनको मैंने 3 कॉल्स की है और आगे से कह रहे हैं आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त मसरूफ है, या ये कह रहे हैं ये लोग। मतलब वो मुझे भी कह रहे थे, मैंने उनको कॉल करके कहा कि आपका मिलाया हुआ नंबर आपकी रेंज से बाहर है, ये क्या सीन है, ये तो इंसल्ट कर रहे हैं आप किसी से। तो क्या मैं अब हम क्या कह सकते हैं, इनकी तबीयत मैं साफ करता हूँ ऐसे। ओके करें, पार्टी बदल लिया साला। 2000 years later. हादिया मैम एक सेकेंड, आप ऐसा करो मैना को कॉल करो, मैना को कहते हैं कि आपको सिक्योरिटी चाहिए ना 2 pieces की, तो आपको सिक्योरिटी हम देते हैं, मुझे इमरजेंसी एक काम पे निकलना है। सर इसका इंजन भी सर कर लो सर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ये अपने साथ कौन कौन है? साहिल, एक सेकेंड रुक जाना, साहिल है पीडी, चलो पीडी चलो पीडी चलो, इनका जी। हादिया मैडम, मैम आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, क्वालिटी जी, आपको सिक्योरिटी चाहिए थी? नहीं हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। ओके ओके थैंक यू, बाय। ऐसा करते हैं, एक साहिल है, साहिल एक ऑफिसर और को बुलाओ और सिर्फ 10 minutes की सिक्योरिटी देनी है, क्योंकि हाँ, 10 months की बात हुई थी। अच्छा ये दानी, दानी यार वो सरकार का कौन सा है कार डीलर? ये सामने ही है, चलो मैं दिखा दूँ। किसका? टोपक का? सरकार का, सरकार, सरकार का बिल्कुल पास ही है। ये जो वेपन शॉप है ना, इसके आगे मैना की कॉल आ रही है, पूछें जरा उनको कि हम आ रहे हैं। हेलो हादिया, आप वो हैदर के साथ आ रही थी यहाँ पे डीलरशिप पे? हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। कितनी देर? बस मैं ये बाहर आई थी, पहुँच आई हूँ। ओके, बारिश हो रही ना तो मैंने कहा जरा ध्यान से आना। बहुत चंगा ना मैं। हाँ हाँ यार हम लोग जा रहे हैं इधर, जरा आए हैं उनको और थोड़ा सा चिढ़ाने आए हैं सरकार के पास। उसको बोलो आ जाए, किधर है? आ रहे हैं, आ जा, हम लोग दूसरे ऑफिसर देंगे इनको, उसके लिए क्या कहते हैं सिक्योरिटी के लिए। साले तू, कौन सर? मैंने सुना था आपको बड़े खतरे, सिक्योरिटी चाहिए आपको, तो ये मैं अपने 2 ऑफिसर आई हूँ कि आपको सिक्योरिटी देंगे, इंशाल्लाह अभी ये आपको सिक्योरिटी देंगे तो आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। किसी देखिए मेरी बात सुने, जो हमसे प्रॉमिस किया गया था वो आपका नाम था और ऑफिसर अयान का नाम था। देखिए साहब आप भी रूम में थे शायद। हाँ जी देखिए उसमें ऐसा होता है ना, जो है ऑफिसर अयान जो है वो आपके सामने थे उस टाइम, कितने बीमार थे और जी 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 जी। बाकी रही मेरी बात, तो हम लोगों को 10 मिनट का बोला गया था, चूँकि टाइम पूरा हो गया, फिर भी हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, फिर भी हम आपके साथ तावन करें, तो अब आप भी थोड़ा करें, जो आपको सिक्योरिटी मिल रही है आप वो लें जी। जो आपने पिक्चर भेजी थी ब्लैक मार्केट में, एक मिनट हाँ, वो मैं आपको दिखा रही थी क्या यार, वो कॉस्ट बना के खड़े हुए हैं और ब्लैक मार्केट में वो हील करने गए थे। नाइस जी जी, हम लोग उधर से ही आगे हॉस्पिटल गए थे, तो मैंने वहाँ से उसकी पिक्चर आपको भेजी थी कि वो बीमार है, मैंने आपको ये पिक्चर भेजी थी, आप देखिए उनके सर पे पट्टियाँ हुई हैं, देखिए वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अच्छा अच्छा, और वो पोज बना के खड़े हैं बीमारी में, उनको तो लेटना चाहिए था। ब्रेव है मैम, हमारे ऑफिसर बहुत ब्रेव होते हैं, वो दर्द से अच्छा अच्छा ब्लैक मार्केट में जाके ब्रेवरी दिखा रहे हैं, यही तो कयामत है। मेयर ने नाम दिए थे वो इनके नाम के, तो हमें इन्हीं की सिक्योरिटी चाहिए, वरना हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो जब कल मेयर आएंगे तो हम उन्हीं के पास जाके ये कंप्लेंट करेंगे। एज अ अटॉर्नी जनरल वो मेरी ड्यूटी है कि इन सारी चीजों को देखता मैं ही हूँ, वो डीके साहब को भी मेयर ने आपको बोला था। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, अब इसमें ये सीन है कि
उनके जो पीडी के जो बेस्ट वो है ना, क्या उसको कहते हैं, शार्प शूटर, वो आपको वो दे रही है। वैसे तो मेरी बात सुने, आप यहाँ पे सरकार फैमिली में खड़ी हैं तो हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि मेयर ने सर का ऑर्डर था, जी आन साहब, जी मेयर सर का ऑर्डर था, तो उन्हीं के बात, मेयर सर के ऑर्डर पे ही हम आपको दे रहे। मेयर सर ने बोला था कि कोई भी सिक्योरिटी आप उनको दे दें। चले ठीक है, हादिया मैम मेरी बात सुने, उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो बस ठीक है, वही बात ना, सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें, उनसे कुछ काम करवाना है। व्हाट काम के लिए? किस टाइप के आपके काम? हम सिक्योरिटी के लिए आ रहे थे। नहीं नहीं हादिया मैम जरा मुझे पूछने दें। जी मैडम बताएं क्या काम है। देखिए जब उन्होंने नाम दिए थे ना, तो उसी सूरत उन्होंने क्या बोला था कि 10 महीने ये आपकी खिदमत में, आप इनके साथ जॉब करवाएं। जॉब करवाने में आप क्या करवाना चाह रही हैं? सिक्योरिटी आप लोगों को पहले सिक्योरिटी का मतलब डेफिनेशन वगैरह आपको जाननी चाहिए। ये मलेशिया और सिक्योरिटी में फर्क होता है, ठीक है? हमें हमें आपकी सिक्योरिटी ओके सर, हमें इनको नहीं चाहिए, आधे ऑफिसर समझते हैं। बस मेरा काम था। ठीक है मैं ना, ठीक है सिक्योरिटी के लिए आया ना। हेलो, फिर भी ये दोनों चाहिए। आ रहा हूं, हां डीलरशिप के बाहर हूं मैं, डाले में आ रहा हूं, उसमें बैठो निकलते हैं। ओके ओके ठीक है। किस साइड है छोटा हैदर को बुला दो, हैदर को बुला दो, हैदर को मैं कॉल करती हूँ। तू मैं चल लफ्जों में, मैंने चलना सीखा उंगली पकड़ के मौत की, बचपन से ही मेरी थी तन्हाई से सिर्फ दोस्ती, तब से लेके आज तक लड़ता रहा जमाने से, रोजाना मर मर के अपनी डरता मैं मर जाने से, आजाद होना चाहता हूँ गुनाहों के पैमाने से, ए खुदा मैं थक गया मुझको वापस घर आने दे, मैं रंजिशों और बंदिशों की जंजीरों में फंस चुका, हाथों की लकीरों की तकदीरों से तंग आ चुका, किताबों की तहरीरों में अपने जख्म छुपा रहा, मैं क्या करूँ ये सब मेरे हिस्से में पहले से लिखा।